प्यारे मित्रों, आज आप लोग सुनेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब की कहानी मेरी जुबानी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़े भाई साहब की कहानी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मुझसे सिर्फ 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी क्रम में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इसकी बुनियाद इतनी मजबूत डालना चाहते थे कि जिस पर एक आलीशान महल बन सके। वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी 1 क्लास को पास करने में 2 साल लगाते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। उनका कहना था कि अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगा तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी सुरक्षा और निगरानी का जैसे जन्म से ही अधिकार मिल गया था, और मेरी समझदारी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को ऑर्डर समझूं। वह स्वभाव से बड़े पढ़ाकू और पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के कवर पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या लाइन को 10-20 बार लिख डालते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई तालमेल। मतलब एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह लिखा देखा, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई मतलब निकालूं, लेकिन फेल हो गया, और उनसे पूछने की हिम्मत थी नहीं। वह 9th क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनके शब्दों का मतलब जानना या उनकी रचनाओं को समझना उसके बस की बात नहीं थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ चढ़ने जैसा भारी भरकम काम लगता था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी दरवाजे पर सवार उसे आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का गुस्से वाला रूप देखकर जान निकल जाती थी। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी आवाज में पूछा जाता था, और उसका जवाब मेरे पास सिर्फ चुप्पी थी। न जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरी चुप्पी कह देती थी कि मुझे अपनी गलती स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि प्यार और गुस्से से मिले हुए शब्दों से मेरा स्वागत करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और 1 शब्द ही नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐसा होता तो हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के पंडित हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कहीं देखने जाने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं तो उनके पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी क्लास में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो ठीक है, घर चले जाओ और मजे से गुली डंडा खेलो। पिताजी की मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह डांट फटकार सुनकर आंसू बहाने लगता। मेरे पास जवाब ही क्या था, गलती तो मैंने की थी, लेकिन डांट सुनना किसे अच्छा लगता है। भाई साहब भाषण देने की कला में माहिर थे, ऐसी ऐसी चुभने वाली बातें कहते कि दिल मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह की जान से मेहनत करने की शक्ति मुझमें नहीं थी, और उस निराशा से मैं जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं,
जो काम मेरे बस के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। उसके बाद मैं चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से प्लान बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की नशा बिल्कुल उड़ जाता। सुबह सुबह उठना, 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक इंग्लिश, 8 से 9 तक मैथ, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, फिर खाना और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक इंग्लिश कंपोजिशन, फिर खाना खाकर 8 से 9 तक ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक दूसरे सब्जेक्ट, फिर आराम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसे तोड़ना शुरू हो जाता। मैदान की वह हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव पेच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे एक अनजान और जबरदस्त रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर भाई साहब को ज्ञान देने का और डांट लगाने का मौका मिल जाता। मैं उनके साए से भी भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरी जान निकली। ऐसा लगता था जैसे सिर पर हमेशा एक तलवार लटक रही है। फिर भी जैसे मौत और मुसीबत के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं डांट और फटकार खाकर भी खेल कूद को छोड़ नहीं सकता था। फाइनल एग्जाम हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट भी आया। अब मेरे और उनके बीच 2 साल का फर्क रह गया था। जी में आया भाई साहब से पूछूं, आपकी यह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, क्लास में फर्स्ट भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल से हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही बहुत गलत लगने लगा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर नहीं रहा, मैं आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा, मेरा दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी इंसल्ट की तो मैं साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते हुए भी क्लास में फर्स्ट आ गया। लेकिन जबान से वह हैकड़ी जताने की हिम्मत न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वह डर का आतंक अब भी मुझ पर था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुली डंडे खेलकर ठीक खाने के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और क्लास में फर्स्ट आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा तो तुम क्या चीज हो? तुमने हिस्ट्री में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा सबक लिया या बस यूं ही पढ़ लिया? सिर्फ एग्जाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो। रावण पूरी दुनिया का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य बहुत बढ़ गए हैं पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। दुनिया में कई देश अंग्रेजों के राज्य को स्वीकार नहीं करते, वो बिल्कुल आजाद हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, दुनिया के सभी राजा उसे टैक्स देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक बूंद पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो चाहे बुरे काम करे पर घमंड ना करे, इतराए नहीं, जिसने घमंड किया वो दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अहंकार था कि भगवान का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, वो भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी एक क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर चढ़ गया? तब तो तुम आगे बढ़ चुके,
यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी बिना मेहनत किए तुमने यह सब पा लिया। मगर बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में तुक्का मारने में सही निशाना लग जाता है, उससे कोई अच्छा प्लेयर नहीं हो जाता। अच्छा प्लेयर वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे क्लास में आओगे तो होश ठिकाने आ जाएगा। जब अलजेबरा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और अंग्रेजी का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है, आठ आठ तो हेनरी हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद करना आसान समझते हो? हेनरी और सातवीं की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, जीरो भी नहीं मिलेगा, जीरो भी। तुम हो किस ख्याल में? एक दर्जन तो जेम्स हैं, दर्जनों विलियम्स हैं, चार्ल्स हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों के नाम भी नहीं होते थे, एक ही नाम के पीछे 2, 7, 14, 15 लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम तो मैं बता देता, और ज्योमेट्री का तो बस भगवान ही मालिक है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी लोगों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज की जगह पे अ ज ब में क्या फर्क है, और बेकार की बात के लिए क्यों स्टूडेंट का खून चूसते हो? दाल चावल रोटी खाई या चावल दाल रोटी खाई, इससे क्या है फर्क पड़ता है? मगर इन टीचर लोगों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो बुक में लिखा है। चाहते हैं लड़का एक एक शब्द रट जाए, और इसी रटने का नाम एजुकेशन रख दिया है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस लाइन पर वह परपेंडिकुलर गिरा दो तो बेस परपेंडिकुलर से डबल होगा। पूछिए इसका क्या मकसद है, डबल नहीं चार गुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन एग्जाम में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पंक्चुअलिटी पर एक एस्से लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, पेन हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में कंट्रोल आ जाता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं और उसके बिजनेस में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक लाइन में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे बेवकूफ़ी समझता हूँ। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना है कि बेकार में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो फटाफट कह दे और बात खत्म करे, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने काले इंक से रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप पेपर के। यह स्टूडेंट पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है शॉर्ट में लिखो, समय की पाबंदी पर शॉर्ट में एक ऐसे लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। वाह भाई, शॉर्ट मतलब 4 पन्ने हुए, नहीं तो ये सब 100-200 पन्ने लिखवाते। मतलब तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात, या नहीं? बच्चे भी इतनी सी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन टीचर को इतनी अक्ल भी नहीं है। उस पर कहते हैं हम टीचर हैं, मेरे क्लास में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस क्लास में फर्स्ट आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रख रहे हो, इसलिए मेरा कहना मानो। भले ही मैं लाख बार फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, दुनिया का मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो कुछ कहता हूं उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय हो रहा था, भगवान जाने है उपदेश माला कब समाप्त होती। खाना आज मुझे बेस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद ही जान ही ले लेंगे। भाई साहब ने अपने क्लास की पढ़ाई की जो भयंकर तस्वीर खींची थी उसने मुझे डरा दिया। मैं कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब होता है। लेकिन इतने अपमान पर भी किताबों में मेरी अरुचि जैसी की तैसी बनी रही। मैं खेल कूद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील न होना पड़े। मेरा अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर गायब हो गया और फिर मेरा चोरों के जैसा जीवन कटने लगा। फिर फाइनल एग्जाम हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने जी तोड़ मेहनत की थी,
कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। इधर 10 बजे रात तक, सुबह 4 बजे तक, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले चेहरे से चमक खत्म हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आ रही थी। रिजल्ट सुनाया गया और वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन किस्मत की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था। मेरे मन में एक दुष्ट भावना ने जन्म लिया कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा और फिर वह किस आधार पर मेरी इंसल्ट करेंगे। लेकिन मेरे इस बुरे विचार को मैंने दिल से निकाल दिया। आखिर वो मुझसे बड़े हैं, मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। हाँ, जरूर मुझे उस वक्त बुरा लगता है, मगर यह शायद उनके भाषण का ही असर है कि मैं दनादन पास होता चला जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका मिलने पर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा था, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी आज़ादी भी बढ़ी और मैं उनके सब्र का गलत फ़ायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद कर दिया। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को देने लगा था। फिर भी मैं भाई साहब का सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां वगैरह समस्याएं अब छुपाकर हल की जाती थीं। भाई साहब को यह शक नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस पतंग की ओर जो धीमी गति से झूमता नीचे की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर बेपरवाह मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। इसमें बच्चों की एक पूरी सेना लग गई और वो सेना एक झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। मानो सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जो एक खाली रास्ता है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। अचानक भाई साहब से मेरा झगड़ा हो गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, इन आवारा लड़कों के साथ एक पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे की क्लास में नहीं हो बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक क्लास नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल मैन को जानता हूं जो आज फर्स्ट क्लास के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं क्लास वाले हमारे लीडर और न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर आवारा लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो? मुझे तुम्हारी इस मूर्खता पर दुख होता है। तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह समझदारी किस काम की जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर डाले? तुम दिल में सोचते होगे, मैं भाई साहब से सिर्फ एक क्लास नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में क्यों ना आ जाओ और पेपर चेक करने वालों का यही हाल रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि अगले साल तुम मेरे क्लास में आ ही जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम उससे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है वो तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DPhil, DLit क्यों ना बन जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी माँ ने पढ़ाई नहीं की और पिताजी भी शायद 5वीं 6वीं क्लास के आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की एजुकेशन हासिल कर लें तब भी माँ और पिताजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह का स्टेटर लॉ है और 8वें हेनरी ने कितनी शादी की और आसमान में कितने कॉन्स्टेलेशंस हैं
चाहे उन्हें ये सब बातें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। भगवान न करे आज अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, पिताजी को लेटर लिखने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर पिताजी होंगे तो किसी को लेटर नहीं लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, पहले खुद बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाना है। जो कुछ पिताजी भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई की नज़रें चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में पिताजी ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इज्जत और नाम के साथ निभाया है और एक परिवार को पाला भी है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, उन्हें 50,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उनके घर में इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कर्ज में रहते थे, जब से उनकी माता जी ने मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह घमंड दिल से निकाल दो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब आजाद हो, मेरे रहते तुम रास्ते से नहीं भटक सकते। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर जैसी लग रही हैं। उनकी इस नई तरकीब को के सामने मेरा सर उनके सामने झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी कमी और छोटेपन का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा पैदा हुई। मैंने नम आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, अगर खुद बेराह चला गया तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, यह जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सिर है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे थे ही, उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरे भैया, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने जिम्मेदारियों के बारे में बताया है। अक्सर देखा जाता है कि घर का जो सबसे बड़ा या पहला बच्चा होता है उससे परिवार वाले बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। इस कहानी में भी बड़े भाई साहब पर कई बोझ थे, पढ़ाई का बोझ, अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर रखने की ड्यूटी, इससे बड़ा भाई साहब को बहुत महत्व देता है, इसमें बड़ा भाई पढ़ाई को बहुत महत्व देता है क्योंकि वो जानता है कि बिना पढ़े लिखे एक अच्छी जिंदगी जीना नामुमकिन है। ऐसा नहीं था कि उसका मन खेलने कूदने के लिए मचलता नहीं था, लेकिन अपने बड़े होने के एहसास ने उसकी इच्छाओं को जैसे दबा दिया था। उसे लगता था कि अगर वो आवारागर्दी करेगा तो उसका छोटा भाई क्या सीखेगा। भले ही छोटा भाई पढ़ने में होशियार था, लेकिन बड़े भाई की बातों से उसकी समझ और गहराई का पता चलता है, वो बहुत समझदार था, उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का एहसास था, उसे कभी अपने छोटे भाई से जलन नहीं हुई। हम अक्सर ये समझने में चूक जाते हैं कि हमारे बड़ों की डांट से में हमारी भलाई छुपी होती है, उनकी डांट फटकार हमें बुरी जरूर लगती है, लेकिन उसमें जिंदगी की कड़वी सच्चाई छुपी होती है जिसे हम देख नहीं पाते। उन्हें जिंदगी का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो समय निकलने के बाद पछताने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम सभी में अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इससे बचने के बजाय उसे दिल से निभाना चाहिए, जैसे बड़े भाई साहब निभा रहे थे। परिवार वालों को भी ये समझना होगा कि घर का बच्चा बड़ा बच्चा है तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो बच्चा ही है, उसके भी अपने अरमान और इच्छाएं हैं, तो उस पर बेकार का बोझ डालकर उसे क्यों दबाया जाए। आप लोग शुरू से
लास्ट तक पूरी कहानी सुने, इसके लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी, और जल्दी ही दूसरी कहानी लेके मैं आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद।